नर्सिंग होम अस्पताल में अपनी दादी का इलाज कराने के बाद अस्पताल द्वारा ज्यादा बिल थमाने को लेकर अस्पताल एवं परिजनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पोते सहित अन्य तीन लोगों पर डॉक्टर सहित अन्य कर्मचारियों ने मारपीट के साथ ही डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रकरण दर्ज कराया। सिंधी कॉलोनी के पास सांवेर रोड स्थित जेके नर्सिंग होम में उपचार के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों और डॉक्टर व अस्पताल कर्मचारियों के बीच रुपए को लेकर विवाद हो गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इससे अस्पताल में आधे घंटे तक हंगामा होता रहा। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए और रिपोर्ट दर्ज करवाई। माननीय कलेक्टर महोदय के पास हम ये जेके नर्सिंग होम जो उज्जैन के अंदर हॉस्पिटल है उसमें हमारे जो माताजी थी करीब 75 वर्ष की, उनकी हड्डी टूट गई थी, उसका ऑपरेशन कराने के लिए हमारे लोगों ने डॉक्टर साहब जो है वहाँ के, उनका नाम है सी एस कोठारी जी, उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने तय किया गया 18,000 रुपये में ऑपरेशन और दवाई गोली का। तो ऑपरेशन हो गया, दवाई गोली भी दे दी, छुट्टी की जब बारी आई तब उन्होंने 25,000 रुपये का इनके हाथ में बिल थमा दिया। जब 25,000 का बिल थमाने के बाद में जब उन्होंने पूछा कि आप अपने हमारी बात 18,000 रुपये में हुई थी तो आप 25,000 रुपये किस बात के ले रहे हो, इस बात को लेकर उन्होंने बोला कि डॉक्टर मैं हूँ कि आप हो, और उन्होंने हमारे लोगों के साथ हमला किया जिसमें हमारे नागेश के राड से मारा गया जिसका हाथ टूटा हुआ है, एक अम्मा जी है हमारे साथ में जो इनको धक्का मुक्की करके गिराया गया, एक लड़का हमारा जो ये इसके जेब से 25,000 रुपये इसकी जेब में जब देने के लिए आए थे तो 25,000 रुपये जेके नर्सिंग होम के डॉक्टर ने और उनके लोगों ने वहाँ छीने। एक भाई है हमारा, ये एक और खड़ा हुआ। अब आपको क्या आश्वासन दिया? हमारे को अभी कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन दे के आए हैं, इसके बाद हमें तो अगर जो नहीं होगा तो हम उग्र धरना आंदोलन करेंगे और हमारी जो न्याय की मांग करेंगे।